डिंडोरी में माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले माझी समाज ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। माझी समाज ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। डिंडोरी में सभी विकास खंडों से आए मछुआरों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मछुआरों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पेसा कानून में संशोधन करने की मांग रखी और इसके अलावा मध्य प्रदेश पिछड़े वर्ग की सूची क्रमांक 12 में मांझी के अंतर्गत आने वाली उपजातियों को हटाकर अनुसूचित जनजाति क्रमांक 29 मांझी में शामिल करने की भी मांग रखी। साथ ही मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांझी समाज ने हमेशा से ही भाजपा का साथ दिया है, लेकिन भाजपा इनके ही समाज के अधिकारों का दमन कर रही है। सरकार यदि मांग नहीं मानती है तो मांझी समाज आंदोलन करेगा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेगा। आज हमने पूरे समाज के साथ सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली डिंडोरी जिले में निकाले और सरकार से हमने ये मांग की है कि 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 से जो माझी के पर्याय भाग है वो विलोपित होना चाहिए। और तीसरी मांग है हमारा कि जो पेशा एक्ट का अधिनियम लागू किया गया है उसमें जो जल जलाशय से संबंधित अधिकार है वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को दिया गया है उसमें संशोधन होना चाहिए। आज माझी समाज का दमन पूर्ण कार्रवाई इधर मंडला जिले अपने डिंडोरी जिले में हो रही है और साथ में पूरे मध्य प्रदेश में ही जो है वो माझी समाज का दमन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन किया जाए, पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विभक्त किया जाए, वो माझी समाज का प्रमाण पत्र अधिकार सहित मिलना चाहिए। और हम जब खेत में खलिहान में क्यों नहीं जलाशय के विधान में क्यों नहीं हमारा नाम जलाशय में है, जलाशय में होना चाहिए ना। हम लोगों को जलाशय का हम लोग मांग के आए हैं, अपना जीवन अपन का ही में करेंगे। हमारी मछुआरा का जो है वो है वो काम करना चाहिए, अधिकार है हमारा, जलाशय में अधिकार है, हम कहाँ जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।